Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ओवुलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज में किस तरीके के बदलाव होते हैं, ये बदलाव महिलाओं को कब से दिखने शुरू हो सकते हैं, कैसे महिलाएं इन बदलाव के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकती हैं, ये पता कर सकती हैं कि महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं किया है, या महिलाओं को पीरियड आने वाले हैं, यानी वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू आप पीरियड डेट से पहले अपनी प्रेगनेंसी को आसानी से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसा ऑथेंटिक साइन है जो हर एक महिला का निकलता है। और प्रेग्नेंट होने में 99% विमेन में वजाइनल डिस्चार्ज में जो बदलाव होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो देखिए गाइस, वजाइनल डिस्चार्ज पीरियड ख़त्म होने के बाद से हर एक महिला की वजाइना से आउट होता है। वजाइनल डिस्चार्ज जनरली एक फ्लूइडी है, एक पानी है, इसमें कुछ पानी होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो भी आपकी बॉडी में बैग बैक्टीरिया है वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू बाहर निकलते हैं। सर्विक्स ही प्रोड्यूस करता है इस डिस्चार्ज को, यानी सर्विक्स के थ्रू ही सिक्रीट होता है ये डिस्चार्ज जो वजाइना से आउट होता है। तो पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आप अपने वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करेंगे तो देखेंगे कई महिलाओं का जो डिस्चार्ज है वो सिर्फ मॉइस्चर टाइप निकलता है, या नहीं निकलता है, या ड्राई या स्टिकी निकलता है कुछ टाइम तक। और जब महिलाओं का ओवुलेशन होने वाला होता है, ओवुलेशन हर महिला का मेड साइकिल में होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कब आपका ओवुलेशन है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या अपनी बॉडी के सिम्टम्स को नोटिस करना पड़ेगा, तब आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब होगा या कब होने वाला है। क्योंकि ओवुलेशन से पहले भी महिलाओं की बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं, और जब महिलाओं का ओवुलेशन होता है तब भी महिलाओं की बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ओवुलेशन से लाइक 3-4 दिन पहले महिलाओं का सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज होता है अगर आपका डिस्चार्ज लाइक क्रीमी निकल रहा है, लोशन फॉर्म में निकल रहा है, वेट निकल रहा है, तो ये सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। अगर इस डिस्चार्ज में भी आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, यानी पूरी पीरियड साइकिल में ये भी आपके अच्छे दिनों में आता है, जिसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 से लेकर 5 दिन की होती है, स्पर्म 4 से लेकर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। और सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज के बाद महिलाओं का निकलता है फर्टाइल डिस्चार्ज। महिलाओं का ओवुलेशन होने वाला होता है उससे 1 या 2 दिन पहले महिलाओं का फर्टाइल डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। फर्टाइल डिस्चार्ज मेनली आपका क्लियर डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग आपको ऐसा स्मेल नहीं होगी। ये डिस्चार्ज की जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये स्लिपरी डिस्चार्ज होता है। अगर आप अंडा खाते हैं तो आपने देखा होगा जो अंडे का कच्चा पोर्शन होता है वो ऐसे स्ट्रेच होता है, तो उसी की तरह आपका डिस्चार्ज भी स्ट्रेच होता है, जो फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। फर्टाइल डिस्चार्ज स्पर्म को हेल्प करता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे स्पर्म अपना रास्ता आसानी से तय करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहां पे एग इंतज़ार कर रहा होता है। तो इसी तरीके का फर्टाइल डिस्चार्ज महिलाओं का निकलता है, ये दर्शाता है कि महिलाओं का ओवुलेशन होने वाला है। बट गाइज, अगर इस टाइम पे कॉन्टैक्ट में आप हैं तो इस टाइम पे स्पर्म और एग सेल मिलते हैं, एग फर्टिलाइज होता है, और एग फर्टिलाइज होने के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी अगर ओवुलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो लाइक 1 हफ्ते में आपको अपने वजाइनल में अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो आप नोटिस करेंगे कि ओवुलेशन के बाद जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है या तो वो निकलेगा ही नहीं, या तो ड्राई और स्टिकी निकलेगा। ये डिस्चार्ज दर्शाता है कि महिलाओं को इस महीने पीरियड आएगा, महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की। और अगर महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की होगी तो आप देखेंगे ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद जो आपका डिस्चार्ज है ये या तो वाइट हो सकता है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर होता है, ये येल्लो भी हो सकता है, पेल येल्लो भी हो सकता है, और इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। अगर आपके डिस्चार्ज में से स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो ये इन्फेक्शन का साइन है। इसके साथ अर्ली प्रेगनेंसी या डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी होती है ये ना ही पानी की तरह बहुत ज़्यादा पतली होती है और ना ही दही की तरह
मोटी होती है, एवरेज कंसिस्टेंसी होती है, और जो ये कंसिस्टेंसी है ये डे बाय डे आपके प्रेग्नेंट होने में इंक्रीज होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन महिलाओं की बॉडी में राइज होना शुरू होता है, वैसे वैसे महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज भी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है। इस तरीके का डिस्चार्ज महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है अगर आपका डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और सबसे मेन बात गाइस, ये डिस्चार्ज कभी भी आपका ड्राई नहीं निकलेगा, हमेशा गीला डिस्चार्ज निकलेगा। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आप पीरियड डेट से पहले नोटिस कर रहे हैं और साथ में आपको प्रेगनेंसी के अदर लक्षण भी अपनी बॉडी में महसूस हो रहे हैं, तो ये साइन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, यानी बच्चा सक्सेसफुली गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो चुका है, आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से आपको प्रेगनेंसी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए जिससे 9 महीने के बाद आप हेल्दी बेबी को बॉर्न कर पाए। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।